नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको कार्टिज रिफिल कराना सिखाने वाला हूँ, जो कि कैनन EMG 2570S, इसका कार्टिज मैं आपको रिफिल करके दिखाऊंगा। तो ये रहा प्रिंटर, ये प्रिंटर का मैं आपको कार्टिज रिफिल करना सिखाऊंगा। एक कैनन का प्रिंटर है दोस्तों, अगर इसकी कार्टिज की इंक भी ख़त्म हो गई तो ये स्कैन नहीं करता है। तो कार्टिज रिफिल करने के लिए ढक्कन खोलना है, इसका कार्टिज आ जाएगा। इसे थोड़ा नीचे दबाना है, नीचे दबाने के बाद उसका लॉक खुल जाता है, फिर ऐसा सीधा खींच कर बाहर निकलना है। ये इसका कलर कार्टेज है, अभी मैं आपको ये रिफिल करके दिखाऊंगा। कैमरा मैं स्टैंड पर लगाता हूँ, इसके बाद मैं आपको रिफिल करके दिखाऊंगा। कैमरा सीधे तरह से नहीं बैठ रहा है, ये कार्टेज रिफिल नहीं। देखिए दोस्तों, ये कार्टेज रिफिल करने के लिए हमें चाहिए इंक। ये इंक मैंने कैनन, जो कैनन का टंकी वाला प्रिंटर होता है उसमें से इंजेक्शन के द्वारा निकाली हुई है। और ये साफ करने के लिए कॉटन, यहाँ से खींच कर निकालिए। ये इसका हेड होता है, यहाँ पर एक सुराग है, यहाँ पर एक सुराग है और यहाँ पर तीन सुराग है। तो दोस्तों, हमें ये याद रखना है, ये तीन सुराग रहते हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाई नहीं देंगे। यहाँ पर एक पहला सुराग है, यहाँ पर ये रेड इंक पैड लग जाएंगी, ये साइड वाला पीला कलर यहाँ पर, और बाद में इधर से नीला कलर। ठीक है दोस्तों, आपके जहन में आ गया होगा। तो पहले हम रेड कलर डालते हैं, ये रेड कलर इस सुराग में
हो गया पूरा रेड कलर। अभी पीला कलर हमें इस साइड से डालना है, इधर की ये साइड से, ये सुराग में पीला कलर डालना है। डाल दिया पीला, और एक कलर तो नीचे से आ रहा है। थोड़ा और फुल हो गया, कलर थोड़ा हमारा और फुल हो गया है। और दोस्तों ये साइड से इधर से नीला कलर डालेंगे। थोड़ा हम इसको बॉटम लगा देंगे हमारा दोस्तों। रेड, पीला, इस साइड से नीला, इधर से नीला, पीला, रेड, आपके ध्यान में आ गया होगा दोस्तों। बस बहुत इजी काम है, आप भी घर बैठे कर सकते हैं। कार्टेज 1000 रुपये का खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, हो गया आपका कार्टेज रिफिल। गारंटी से काम करेगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके बहुत काम आ जाएंगे। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे पास ये एप्सन का भी प्रिंटर है, ये मेरी दुकान है दोस्तों। ठीक है, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए।